सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोनिचुवा इंडिया। दोस्तों अभी मैं आया हुआ था मॉडल टाउन किसी काम से, और यहाँ पे आने के साथ बाद मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। जैसे कि मारुति की गाड़ियों में भाई, लाइक मैंने सुना था थोड़ी बहुत, तो देखो क्वालिटी में फर्क होता ही होता है कंपेटिवली ह्यूंडई की गाड़ियों वगैरह से। तो अभी यहाँ पे भाई मेरे साथ क्या हुआ कि लाइक जैसे ही मैं यहाँ पे लाइक जिस जहाँ पे मुझे काम था मैं वहां से बाहर निकला, और भाई एकदम से गाड़ी मैं ऑन कर रहा था, इसका रिमोट ही नहीं चल रहा भाई। लिटरली लाइक इतना कोशिश करी, इतना भाई जैसे हम करते हैं जब तक खटका आगे देखा मैंने रिमोट को, भाई इसका रिमोट ही ऑन नहीं हो रहा। और जब मैंने की से जब मैंने एंट्री करी तो फिर वही इसमें साउंड बजना चालू हो गया भाई एकदम से इतना। तो भाई देखा तो फिर बाद में पता चला कि इसके ऑलरेडी सेल वीक हो चुके हैं भाई इस रिमोट के। मतलब यार जस्ट अभी 2 साल ही हुए हैं और रिमोट के सेल वीक हो गए। अगर मैं बात करूं जैसे दूसरी गाड़ी, लाइक मैं i20 भी यूज कर रहा था इससे पहले, तो i20 को लाइक ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो गए थे, बट उसके रिमोट में भाई कोई अभी तक कुछ ऊंच नीच या मतलब सेल वीक का कोई मुझे कुछ भी ऐसा लाइक नोटिस नहीं हुआ मुझे i20 में। बट ब्रीजा में जस्ट 2 साल में भाई रिमोट में इश्यूज आने चालू हो गए। अब कंपनी ऑलरेडी भाई बेशक आजकल की अगर मैं लेटेस्ट ब्रीजा की बात करूं या पुराने वाली जो ब्रीजा है उसकी बात करूं, रिमोट सेम का सेम है यार। कम ऑन भाई, कंपनी वाले तो लाइक रिमोट तो चेंज कर सकते हो यार। तो बेसिकली अभी मैं हूँ यहाँ मॉडल टाउन कार मार्केट में। टाइम अभी जस्ट 10:30 हो रहा है अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, बट अभी तक यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखो इस साइड में यहाँ पे सारी शॉप्स वगैरह अभी यहाँ पे बंद है। आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया, मुझे लगता है 12 बजे के आसपास तक मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। ऐसे सब इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं क्या? वैसे तो दोस्तों कल मैं जा रहा हूँ एक ट्रिप पे, तो बेसिकली मैं उसी की प्रिपरेशन वगैरह थोड़े बहुत कर रहा था, घर का ही कुछ सामान जो मुझे वहाँ पे लेके जाना था, तो इसी कारणवश मैं यहाँ पे आया था मॉडल टाउन में। और मुझे अपनी गाड़ी में लाइक फ्यूल भी डलवाना था, क्योंकि मैं बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से ही प्रिपेयर करके रखना चाहता हूँ। लाइक अगर आप किसी भी ट्रिप पे जा रहे हो तो छोटी मोटी चीज़ों की आपको टेंशन होनी नहीं चाहिए। तो अभी मैं फिलहाल फ्यूल डलवाता हूँ गाड़ी में, उसके बाद देखता हूँ क्या पता ये मार्केट वगैरह खुल जाए यहाँ पे, देन आएंगे और की का सेल चेंज करवाएंगे। बट इतनी जल्दी यार ये सब चीजें होंगी लाइक सेल में इश्यूज वगैरह आना कि मतलब इतनी जल्दी ड्रेन हो गया? ऑब्वियसली बात है ऐसा हो सकता है, बट इतनी जल्दी ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो फाइनली दोस्तों पेट्रोल डलवा लिया भाई गाड़ी में, और 4000 रुपए का डलवाया मैंने पेट्रोल। ये है 41.35 लीटर पेट्रोल। डलवाने के बाद भाई हम हवा वगैरह पूरा चेक वगैरह करवा रहे हैं अभी, तो ये करवाने के बाद चलते हैं फिर एक बार दिखाते हैं अपनी चाबी को कि लेकर अगर उसका सेल अभी रिप्लेस हो सकता है ठीक है, नहीं तो फिर इवनिंग के टाइम में हम सेल रिप्लेस कराएंगे। तब तक बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी रिसेंट में ब्रीजा की सर्विस वगैरह कराई थी, तो मेरा सर्विस का कितना कॉस्ट वगैरह रहा मैं पैरेलल ही अभी इस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ। आप लोग देखिए कि कितना खर्चा आता है अगर आप लाइक ब्रीजा की अगर आप सर्विसिंग वगैरह कराते हैं, क्या ऐसी मैंडेटरी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हो। दूसरी बात, आप बाहर से सर्विस कराते हो या कंपनी से सर्विस कराते हो, दोनों में क्या फर्क है वो डिफरेंस आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं और उस वीडियो की तरफ चलते हैं, तब तक मैं देखता हूं कि चाबी का सेल अभी रिप्लेस हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों ये बात है पिछले संडे की। पिछले संडे को मैंने अपनी गाड़ी भेजी थी सर्विस पे कीर्ति नगर मैजिक ऑटो में। फर्स्टली मेरा जो पास एक्सपीरियंस है वहाँ का बहुत ही बढ़िया रहा है, आज तक मुझे वहाँ से कभी कंप्लेंट्स वगैरह नहीं मिली। तो जब भी मुझे अपनी गाड़ी भेजनी होती है सर्विसिंग के लिए, आई थिंक ये 4th या 5th सर्विस है, तो मैं हमेशा भेजता हूँ कीर्ति नगर। भी है सर्विस? हाँ जी। ये क्या बिल? गाड़ी रिसीव करने के बाद एक बार पूरी गाड़ी मैंने तसल्ली से चेक करी। कंपनी से गाड़ी सर्विस कराने के बाद मुझे मिला एक बहुत ही बढ़िया अमेजिंग लेमन परफ्यूम। भाई लोग इस सबसे जो मेन कंसर्न है ना मुझे इस गाड़ी का, वो है ये पॉइंट। जब ये गाड़ी मैंने दी थी, इस गाड़ी के लाइक पेट्रोल के 2 पॉइंट थे बेसिकली, तो मैंने इनको कहा था अगर आप एक पे भी अगर आप लाइक रखते हो तो आप इजीली पहुंच जाओगे वहां पे,
वैसे तो 2 पॉइंट में काफी अच्छी गाड़ी खींच जाती है, और अगर रिजर्व लगता है रिजर्व में भी 40 किलोमीटर गाड़ी खींच जाती है। बट आई नो मारुति वाले हैं भाई, ये अगर ड्राइवर जो गाड़ी पिकअप के लिए आता है वो भी अगर एसी में ना जाए तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों गाड़ी का जो मेरा ओवरऑल बिल था वो था 5298 रुपीस का, जिसमें इंक्लूसिव था गाड़ी के बेसिक चेक्स और आपका व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, ऑल्सो द फ्यूल चेंज। तो भाई देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। गाड़ी अभी अनलॉक है बट मैं लॉक कर रहा हूँ, अब जाके हुई है 3-4 बार प्रेस में, बट इसको अनलॉक करता हूँ। तो गाड़ी के रिमोट में जब भी सेल डलवाएं तो हमेशा मेक श्योर कि जो एग्जिस्टिंग सेल है उसका नंबर मैच करे नए सेल से। तो इन सेल के नंबर के हिसाब से भी काम होता है क्या इनमें? हाँ, नंबर के हिसाब से डलता है सेल। अब इसमें कौन सा था, 16-20 का? हाँ, तो 16-20 ही डाला है। धन्यवाद भाई। अब तो भैया सिंगल प्रेस पे काम हो रहा है इसका।